गाजा में चल रही जंग के बीच लेबनान के हिजबुल्ला ने उत्तरी बॉर्डर पर कोहराम मचाया हुआ है। जहां देखो तहां हिजबुल्ला के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन बरस रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हाईटेक माने जाने वाली इजरायली फोर्स हिजबुल्ला के इन हमलों का कोई रोल नहीं निकाल पाई है। अलबत्ता हिजबुल्ला इसराइल पर और ज्यादा हावी हो चुका है। हिजबुल्ला ने इसराइल पर एक ऐसा दबाव बना दिया है जिसमें हिजबुल्ला से पूर्ण युद्ध करने का परिणाम क्या होगा, ये भी आईडीएफ के दिमाग में है। और इन सब के बीच हिजबुल्ला ने खिरबेट सेलम पर ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया है, जो सीधे उत्तर में तटवर्तीय शहर अक्का में आईडीएफ के सैन्य पोस्ट पर जाकर गिरे हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने शागा बैरक्स में भी एक ऐसा ही हमला किया है जिसमें इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड्स मौजूद थी और यहां पर ईगोज स्पेशल फोर्स का भी हेडक्वार्टर था। और इसके बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने 300 बी बारम टेरिगेट ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर भी कतूशा रॉकेट्स का एक जत्था फायर कर दिया, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला का कहना है कि उसने जल अल आलम मिलिट्री साइट पर भी दो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स दागे हैं, जिसमें भारी विस्फोटक लदा हुआ था। और इसके बाद जब आईडीएफ के जेट्स लेबनान में घुसे तो हिजबुल्ला ने उन पर जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइलें डाल दी, जिससे इजरायली जेट्स को पीछे हटना पड़ा। वहीं हिजबुल्ला के ड्रोन हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्ला द्वारा दागे गए ड्रोन नाहरिया शहर की एक बिल्डिंग पर जाकर गिरे हैं, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं। हालांकि हिजबुल्ला ने अपने बयान में कहा है कि उसने श्रागा कैंप में आईडीएफ के सैन्य बेस को टारगेट किया है, जबकि आईडीएफ कुछ और ही कह रही है। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमले वाली एक सफेद इमारत दिख रही है। वहीं हिजबुल्ला के हमलों को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि इजरायल के सफर का बांध टूटता जा रहा है। दरअसल इसराइल की वॉर कैबिनेट की पूर्व सदस्य बेनी गांट्स का कहना है कि अब हिजबुल्ला और लेबनान बॉर्डर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, हम इस मामले में काफी पीछे हैं। बेनी गांट्स ने अपने बयान में कहा कि हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नागरिक अपने घरों को वापस लौटे, हम ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि लेबनान के ऊपर हमले की जरूरत भी पड़ी तो दुर्भाग्यवश मुझे इसका दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। हमास की कहानी अब पुरानी खबर हो चुकी है। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की कहानी इलाके में चारों तरफ है और जो वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक असल मुद्दा है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला के हमलों की वजह से लेबनान से सटा उत्तरी इजराइल का इलाका वीरान हो चुका है। यहां रहने वाले लाखों सेटलर्स अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, जबकि 64,000 लोग अभी भी हिजबुल्ला के हमले के साए में यहां रह रहे हैं। और नहारिया के इस इलाके में हिजबुल्ला ने जो ड्रोन फायर किया था वो दो अपार्टमेंट पर जाकर गिरे। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं था, लेकिन अब यहां रह रहे लोगों का पीएम नेतन्याहू के ऊपर बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि सरकार ने युद्ध जारी रखने के लिए उन्हें लावारिस छोड़ दिया है। ये लोग नेतन्याहू से जल्द बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला पिछले 11 महीनों से उत्तरी इसराइल पर हमले कर रहा है और इसमें अभी तक 26 इसराइली नागरिकों की जान चली गई, जबकि आईडीएफ के 20 जवान और रिजर्विस्ट भी इसकी भीड़ चढ़ गए हैं। और अब सीरिया की तरफ से भी प्रतिरोधी समूह इन नागरिक आबादी पर हमले कर रहे हैं।